Hey guys, Nitika this side from Daffodil Study Abroad, Patiala branch. अज असी गल करांगे Duolingo बारे। तुसी सारे ने I'm sure ये word जरूर सुनिया होना है। IELTS and PTE तो बहुत familiar words हैं, but उदी ही तरह एक होर टेस्ट आया मार्केट दे विच जेड़ा नेम हैगा जिदा Duolingo बेसिकली। सो काफी स्टूडेंट्स नूं ये चीज नहीं पता कि Duolingo एक्सेप्टेबल है या नहीं है, एम्बेसी चलेगा या नहीं चलेगा, एदे वीजे आणगे या नहीं आणगे, से एदा की बेनिफिट होएगा ते की नेगेटिव है, एदी स्कोरिंग किवें हुंदी है, वो सारा कुछ असी अज डिस्कस करदे हां। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि जिहड़ा Duolingo है वो एक इंग्लिश टेस्ट है, जस्ट लाइक IELTS एंड PTE। एंड डेफिनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, इवन कैनेडा दे विच, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, न्यूजीलैंड जिहड़े एक्सेप्ट कर रहे ने इनू। ए भी नहीं कि वो कोई छोटे मोटे कॉलेजेस ने, वो सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड कॉलेजेस ने। तुसी Duolingo दी वैबसाइट ते जाके देख सकते हो, तुसी कॉलेज नू इवन मेल करके पूछ सकते हो कि तुसी इनू एक्सेप्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो। नाउ सेकंड चीज आ जाती है कि स्टूडेंट्स नू डाउट होगा ओके जी मैनू Duolingo ठीक है ओके एक्सेप्टेबल है, बट की मेरा उहदा वीजा लगेगा एम्बेसी च, वो एक्सेप्टेबल होएगा। एदा आंसर ए हैगा कि हजे एदे बारे कोई प्रॉपर क्लेरिटी नहीं हैगी इन ऑफिशियल वेबसाइट, बट यस डेफिनेटली ए वीजा च हेल्प करेगा एंड फॉर श्योर करेगा, बिकॉज तुसी आप सोच सकते हो कि जे इन केस कोई भी कॉलेज तुहानू एडमिशन दे रहा है Duolingo दे बिहाफ ते, एंड आफ्टर दैट ड्यू टू एनी रीजन और ड्यू टू स्पेसिफिक दिस Duolingo रीजन एम्बेसी तुहानू वीजा नहीं दिंदी, सो कॉलेज नू की बेनिफिट होया? कॉलेज नू तुहाडी फीस जो है वापस करनी पेगी, GIC वाले नू तुहाडा GIC वापस करना पेगा, कॉलेज नू की बेनिफिट होया? कुछ भी नहीं। सो डेफिनेटली कॉलेज ने CIC नाल ही गल करके इनू एक्सेप्टेंस दिती होनी है फॉर श्योर, बट हाँ जदों तक एम्बेसी ओपन नहीं होंगी, आपा कोई फाइल नहीं लाते, सानू रिजल्ट नहीं पता लगता, उदों तक असी कुछ नहीं कह सकते कि हाँ जी एदा की इफेक्ट पैना है की नहीं। लोगों नू लग रहा है कि बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, सो इन्ना ईजी है, तो साढ़े तो 7 बैंड आ गए, 8 बैंड आ गए, सो ओबियसली वो चीज़ असी कर लेंगे, बट नहीं, हर एक स्टूडेंट लिए ईजी नहीं है, बिकॉज यस इहदा जिहड़ा बेसिक पार्ट है बहुत सिंपल है, बट उन्होंने स्टूडेंट्स लिए जिन्हां दे ऑलरेडी IELTS दे विच अच्छा स्कोर आंदा सीगा, जिन्हां दा IELTS दे विच भी स्कोरिंग घट है, उन्होंने लिए सिर्फ एक कह लो कि एक बैटर ऑप्शन मिली है उन्होंने कि हाँ वो 5.5 तो उठ के 6.5 ते आ जाण। नाउ इहदी जिहड़ी स्कोरिंग है वो PTE दे बेसिस है, बेसिस से जो है दिखाई गई है सानू, PTE दे विच भी जिहड़े हुंदे पॉइंट बेस हुंदा है, जस्ट लाइक दैट Duolingo दे विच भी पॉइंट्स मिलते हैं थानू स्कोर्स दे विच। मैं थानू शेयरिंग दे विच दिखा देनी है वीडियो दे विच कि स्कोर आंदा है ते तुहाडे IELTS दे विच किन्ने बैंड्स बनते हैं। नॉर्मली स्टूडेंट्स जिहड़े ने 95 to 100, 120 लै रहे ने, जिहड़े अप्रोक्सीमेटली 6, 6.5, 7 or 7.5 बैंड्स बनते हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि ये ईजी टेस्ट है एंड एदे वीजे नहीं आने, सिर्फ एडमिशन मिलनी है, इट इज जस्ट अ मिथ। PTE ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਹੈਵ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫਸ ਐਂਡ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਕਿ PTE ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟਿਡ ਟੂ ਕਲੀਅਰ ਯੂ ਆਊਟ ਕਿ Duolingo ਕਰੋ ਫੋਰ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ IELTS ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋ, ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ इस टाइम भी वेले नहीं बैठे, तुसी कुछ ना कुछ पढ़ रहे सीगे, कुछ ना कुछ कर रहे सीगे अपनी इंग्लिश नू इंप्रूव करन लई, टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर ही। एंड इन केस कोई होर इन्फॉर्मेशन चाहिए है तुहानू Duolingo बारे या फिर कैनेडा वीजा बारे, तुसी सानू कदे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो ऑन द बिलो नंबर्स, एंड बाकी अपडेट्स लई तुसी चैनल नू सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।